दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई सूर्य हॉस्पिटल राजा का तालाब। यहाँ पर हर बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए 7696307219 पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिद्धू। फतेहपुर उपमंडल के आज मैरा में नशवार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, कांग्रेस हाईकमान ने फतेहपुर उपचुनाव में टिकट आवंटन में अगर मेरी अनदेखी की और फतेहपुर की जनता ने चाहा तो मैं आजादी ही चुनावी रण में उतरूंगा। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व डेलीगेट नशवार सिंह ने कही। नशवार सिंह ने कहा कि मैं वर्ष 1982 से शातिर रणनीति से जुड़ा और तब से लगातार पार्टी में विभिन्न ओहदों पर रहकर कार्य किया है। नशवार सिंह ने कहा कि मैं फतेहपुर क्षेत्र की समस्त पंचायतों में जाकर जनता से मिला हूं और जनता ने मेरा चुनाव लड़ने के लिए समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का कन्वर्ट सिपाही हूं तथा पार्टी में ही कार्य करूंगा। नशवार सिंह ने कहा कि मेरी पार्टी हाईकमान से बातचीत हुई है तथा पार्टी नेताओं ने मुझे आश्वासन किया है कि पार्टी द्वारा मेरी अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया की भी यही इच्छा थी कि उनके बाद मैं ही चुनाव लड़ूं। नशवार सिंह ने कहा कि हाल में स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी सिंह को चुनावी रण में उतारने की बात की जा रही है, लेकिन भवानी पठानिया ने कभी भी पार्टी के लिए कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान उसे ही टिकट दे जिसने पार्टी में रहकर कार्य किया है। जनता हवाई नेता को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद तथा नशवार सिंह जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अब की बार नशवार के नारे जोरों शोरों से लगाए। नशवार सिंह को स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया का खासम खास माना जाता है। इस बैठक में कांगड़ा चंबा यूथ कांग्रेस प्रभारी दीपक मनकोटिया, पूर्व प्रधान मलकीत सिंह धरवाल, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष परमजीत कौर, कमलेश ठाकुर, सहयोगिता देवी, प्रधान हुक्मी देवी, इंदु रानी, रीता पबना, समर राणा, दविंदर सिंह, रमेश, संजीव धीमान, गोविंद, बलदेव सिंह, प्रदीप चौधरी, सोहन लाल, किशोर शंटवा, नरेंद्र मनकोटिया, रंजीत सिंह, सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भरमार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। अगर नशवार सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अगर नशवार सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर नशवार सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर नशवार सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये बैठक हम कांग्रेस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी टोटल भूंजा जनता हैं अपने इस हल्के की, तो मैंने भूंजा जनता के हर पंचायत से मैंने तीन तीन पांच पांच लोग यहाँ बुलाए हैं। और ये लोग इसलिए आए हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो टिकट है, टिकट उस आदमी को ही मिलनी चाहिए, उस कार्यकर्ता को ही मिलनी चाहिए जो जिसने पार्टी के लिए काम किया है। इस कार्यकर्ता ने अपनी जिंदगी के बड़े अपनी जिंदगी की जवानी और दादी है, तो कम से कम पार्टी देखे कि किस आदमी को, किस कार्यकर्ता को टिकट देनी है। और कोई भी ऐसा आदमी जो ऊपर से छुपा जाए, वो पार्टी को, लोगों को, वो कार्यकर्ताओं को कभी मंजूर नहीं होगा। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? पहली बात तो ये होगी, पार्टी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि मैंने पिछले 40 साल से
सन 1982 से लेकर मैंने आज तक पार्टी के लिए मैंने काम किया है, और मैंने पार्टी के भिन्न पदों पर रहकर NSI डेयरी कॉलेज से मैंने कैंपस का काम बढ़ा था 1982 में। उसके बाद मैं ब्लॉक कांग्रेस के मित्र फतेहपुर जवाली स्टेबल, उस वक्त ये थी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र थी, उस वक्त मैं बना था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का यूथ का प्रधान। उसके बाद मैं फिर बना BDC मेंबर, उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का महासचिव बना, उसके बाद फिर मैं स्टेट यूथ कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव मेंबर। उसके बाद सन 2000 में मैंने PCC डेलीगेट इलेक्शन लड़ा और उसमें मैं इलेक्ट हुआ। तो इस आदमी ने 40 साल की पार्टी की सेवा करी है, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी मेरी अनदेखी करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मेरी अनदेखी नहीं करेगी। हाँ, मेरे ऊपर सभी नेताओं से, बड़े लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया है कि पार्टी टिकट जो है उसी आदमी को मिलेगी जिस आदमी ने पार्टी के लिए काम किया है। और पठानिया जी, जो हमारी सभी पठानिया जी हैं, वो भी चाहते थे कि मेरे बाद अगर इलेक्शन लड़े तो वो विश्वास जी ही इलेक्शन लड़े। तो मैं आज जैसे कि भवानी जी जिन्होंने जो बड़े अच्छे अहदे पे एक कंपनी में काम करते हैं, तो वो वहाँ अपनी सेवा कर रहे हैं, हमने पार्टी की सेवा करी है। तो पार्टी कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि मेरी पार्टी अदेखी करेगी। हाँ, फिर भी अगर पार्टी मेरी अदेखी करती है तो मैं चुनाव